हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो गूगल पिक्सल 2 वाला कैमरा हो या गूगल पिक्सल 3 वाला कैमरा हो जो कि नाइट साइट के साथ आता है। तो गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में कैमरा टू API को इनेबल करना पड़ता है। अब कैमरा टू API क्या होती है, ये सिंपली एक कमांड के थ्रू आप इनेबल कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में मैनुअल कैमरा को यूज़ कर सकते हो, मैनुअल कैमरा के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि गूगल कैमरा आपको मिलता है तो वो भी एक मैनुअल कैमरा ही है। तो ये यूज़ करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में कैमरा टू API को इनेबल करना पड़ता है, जिससे आपके फ़ोन की वारंटी वॉइड नहीं होती है। तो वारंटी की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। आपका फ़ोन इससे रूट भी नहीं होता है, ना ही आपके फ़ोन का कोई डेटा लॉस होगा, तो आपके फ़ोन में से कोई डेटा वगैरह भी डिलीट नहीं होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन्स में गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना है, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंग्लिश वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ऊपर कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक PC जिसके अंदर आपको कंप्लीटली ADB ड्राइवर्स को और ADB इंटरफेस को इंस्टॉल कर लेना है। अब ADB ड्राइवर्स और इंटरफेस को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया कि कैसे आप ये कर सकते हो और प्रॉपरली अपने एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 और एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 को PC से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप आगे का मेथड यहाँ पे फॉलो कर पाओ। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कार्ड में भी ऊपर लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपके कंप्यूटर में एक बार ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आगे का मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एक बार ही कंप्लीटली ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं तो आपको जाना है अपने कंप्यूटर के लोकल डिस्क C में, वहाँ पर आपको ADB फोल्डर मिल जाएगा। तो अगर आपको वो ADB फोल्डर दिख जाता है, इसका मतलब कंप्लीटली ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, देन आपको जाना है सिस्टम, देन अबाउट फोन, उसके बाद आपको क्लिक करना है बिल्ड नंबर पे 6 से 7 टाइम्स। उसके बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, जाना है आपको डेवलपर ऑप्शन में। उसके बाद देन आपको USB डीबगिंग की जो सेटिंग है उसको इनेबल कर देना है, ताकि हम चेंजेस यहाँ पर कर पाए। एक बार ही आप USB डीबगिंग को ऑन कर देते हैं, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। जैसे ही आपका फ़ोन कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाता है, उसके बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस करके रखना है, ताकि आपका फ़ोन यहाँ पर फास्ट बूट मोड में आ जाए और आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद आपको माइक्रो USB केबल की मदद से अपने कंप्यूटर से अपने फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसके अंदर भी सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ADB फोल्डर में जाने के बाद भी ये कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप ADB फोल्डर को ओपन कर लेते हैं या फिर प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, दोनों सेम हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। देन साथ ही आपको अपने माउस पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, सिंपली आपको क्लिक करना है ओपन कमांड विंडो हेयर या फिर ओपन पावर शेल विंडो, तो दोनों ही ऑप्शन सिमिलर है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कमांड विंडो ओपन हो जाएगी और आपको कमांड को एंटर करना है। पहली कमांड आपको डालनी है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, आप टाइप कर देंगे, उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर। उसके बाद अगर आपको कुछ इस तरीके से कोड शो होता है, इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर में यहाँ पर डिटेक्टेड हो गया है और कम्प्लीटली यहाँ पर ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आगे का मेथड आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड कमांड आपको डालनी है वो है फास्ट बूट स्पेस OEM स्पेस इनेबल अंडरस्कोर कैमरा अंडरस्कोर HAL3 स्पेस ट्रू। तो ये कमांड आपको डालनी है, सारा ही स्मॉल लेटर्स में डालना है, कोई कैपिटल स्मॉल आपको नहीं करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो नॉर्मली फास्ट बूट OEM इनेबल अंडरस्कोर कैमरा अंडरस्कोर HAL3 स्पेस ट्रू आप डाल देंगे, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ओके फिनिश का कुछ जिस तरीके से मैसेज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली कैमरा टू API को इनेबल कर लिया है अपने स्मार्टफोन में। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके स्मार्टफोन में कैमरा टू API इनेबल हुई है नहीं, तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ऐप का लिंक दे रहा हूँ, उसको ओपन कर सकते हो। और अगर आपको सारी टिक कुछ इस तरीके से दिखते हैं ग्रीन, तो इसका मतलब है कि कैमरा टू API आपके फ़ोन में यहाँ पर इनेबल हो चुकी है। और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में गूगल पिक्सल 2 का कैमरा या फिर गूगल पिक्सल 3 का कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ जो पिक्सल 3 का कैमरा है, वो फ्रंट फेसिंग कैमरा पर अगर आप स्विच करते हो तो क्रैश
क्रैश होता है। अभी क्योंकि हमारे स्मार्टफोन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लॉन्च हुए, तो जैसे ही फ्यूचर में नया इसका पोर्ट आएगा तो मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो रियर फेसिंग कैमरा है वो प्रॉपरली काम करता है, बट अगर हम बात करें पिक्सल 2 के कैमरा की तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत इशू आपको देखने को मिलते हैं। बट जो भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप परफेक्टली GCam ढूंढ के, और दो चार लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वो आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो अपने स्मार्टफोन में आप यूज़ कर सकते हो। बट जैसे ही इसका कोई लेटेस्ट और एकदम स्टेबल वर्जन वाला GCam आता है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यूज़ कर पाओगे। तो गाइस अब मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन गूगल कैमरा एप्लीकेशन से क्लिक करें तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, और पिक्सल 3 के जो नाइट साइट वाला फीचर है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। कुछ इस तरीके से इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टॉक कैमरा और गूगल कैमरा का कोई भी कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है, बहुत ही कमाल की इमेजेस क्लिक होती है गूगल पिक्सल 2 या पिक्सल 3 कैमरा से, तो बहुत ही कमाल का कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कैमरा सैंपल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने Asus ZenFone Max Pro M1, Asus ZenFone Max Pro M2 में Google Pixel 2, Google Pixel 3 का कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो कैमरा टू API इनेबल करने के बाद। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं सिर्फ 2000 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।